अरज़ीतुम बिल हयाति दुनिया, क्या तुम राज़ी हो गए हो, खुश हो गए हो, बिल हयाति दुनिया दुनिया की ज़िंदगी के साथ, मिनल आखिरा आखरत के मुकाबले में। फमा मताउल हयाति दुनिया फिल आखिरा इल्ला कलील, बस नहीं है दुनिया की ज़िंदगी का सामान फिल आखिरा आखरत के मुकाबले में, इल्ला कलील मगर बहुत कम। इल्ला तनफिरू, अगर तुम ना निकले, युअज़्ज़िबकुम, तो वो तुम्हें सजा देगा, अजाब देगा, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। वयस्तब्दिल, और वो बदल कर ले आएगा, कौमन, कोई और लोग, कोई और कौम, गैरकुम, तुम्हारे अलावा। वला तज़ुर्रुहु, और नहीं तुम नुकसान कर सकोगे उसका, यानी उस कौम का, शैया, कुछ भी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया और आखरत का एक तकाबुल किया है और अहले ईमान को झंझोड़ा है कि जो आखरत पर ईमान रखते हैं, जन्नत की दुआएं करते हैं, लेकिन जब जन्नत को हासिल करने का वक्त आता है और अल्लाह को राज़ी करने का वक्त आता है, तो वो ज़मीन के साथ चिमट जाते हैं, यानी दुनिया को पसंद करते हैं। और अल्लाह की राह में जिहाद, इसकी तरगीब दी गई है कि जब तुम्हें ये कहा जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, तो तुम ज़मीन के साथ चिमट जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सन 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए तैयारी की गई, और ग़ज़वा तबूक, इसको जैशुल उसरा भी कहते हैं, यानी तंगी वाला लश्कर, क्योंकि मौसम गर्म था और फसलें पकी हुई थीं, साए घने थे, और मदीना से तबूक का सफ़र भी बड़ा लंबा था, तकरीबन 600 किलोमीटर मदीना से शिमाल की जानिब, जो मुल्क शाम का बॉर्डर है। आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, और इससे कबल जितनी जंगें हुईं आपने असल मकाम वाज़े तौर पर नहीं बताया, ताकि जंगी हिकमत अमली जो है वो कायम रहे कि किसी को दुश्मन को इतला करने का मौका ना मिले। तो आप इशारतन किनायतन बात करते थे, लेकिन जब आपने ग़ज़वा तबूक की तैयारी की तो बिल्कुल वाज़े तौर पर फरमा दिया था कि तबूक जाना है, ताकि कोई बंदा किसी गलत फहमी में ना रहे और उसको पता चले कि कितनी तैयारी करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए, और मुल्क शाम में उस वक्त कबीला गस्सान की हुकूमत थी, जो बादशाह था ना रूम का, वो उसके ताबे था। तो रूम के बादशाह ने शाह गस्सान को बुलाकर कहा कि तुम मदीना वालों पर हमला करो, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि अब पूरे अरब के अंदर अल्लाह के नबी की हुकूमत कायम हो गई है, तो अब हमारी बारी आने वाली है। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि वो हमारी तरफ आए, हमारी हुकूमत हमसे छीने, हम ही उन पर हमला कर दें।
तो जब आपको इस बात का पता चला कि शाह रूम ये इरादा रखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पहल की और तकरीबन 30,000 का लश्कर आप लेकर रवाना हो गए। अच्छा, तो कुछ लोग रह गए, वो ना जा सके। कुछ तो मुनाफिकीन थे जिनका जिक्र आगे आ रहा है, और उनका पर्दा अल्लाह ने चाक कर दिया। इसलिए इस सूरा का नाम एक है फाजिहा, सूरा फाजिहा रुसवा करने वाली सूरत, मुनाफिकों को रुसवा करने वाली सूरत। उनके अंदर की जो बातें थीं, सीने की जो बातें थीं, वो अल्लाह ने जाहिर कर दी कि ये मुनाफिक हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं, ये जंगी सऊबतें और मुश्किलात पसंद नहीं करते, ये दुनियादार लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, इनके दिलों के अंदर हकीकत में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। ये जो भी उजर बहाने लेकर आपके पास आते हैं, सब झूठ बोल रहे होते हैं। तो इससे मुनाफिकीन की बड़ी तजलील हो गई। और कुछ लोग वो थे जो मुखलिस थे, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से ना जा सके। आज जाते हैं, कल जाते हैं, तैयारी थी, सवारियां थीं, सामान भी था, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से ना जा सके। उनका भी जिक्र अल्लाह ने यहां किया है। तो अल्लाह ताला ने यहां से उन लोगों का तज़किरा कर दिया है कि ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान का दावा करने वालों, जब तुम्हें ये कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं कि भाई जंग के लिए जाना है, तैयारी करो, और तुम जमीन के साथ चिमट जाते हो, तुम्हारा दिल ही नहीं करता कि हम जिहाद के लिए जाएं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अराजी तुम बिल हयात दुनिया, अब तुम्हें दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। किसके मुकाबले में? फिल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में। कि आखिरत कभी तुम दावे करते हो कि आखिरत बड़ी जबरदस्त जो है वो जिंदगी है, जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, सब कुछ है, सुनते हो, सुभान अल्लाह कहते हो सुनकर, जन्नत का जब तज़किरा होता है बड़े खुश होते हो, दुआ करते हो अल्लाह जन्नत दे दे, लेकिन जब जन्नत लेने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। जब अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोलता है कि आ जाओ जन्नत तकसीम हो रही है, पीछे हट जाते हो। अरज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, ये क्या ईमान हुआ तुम्हारा? तो पता चला कि जब मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे, दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत करेंगे, तो वो जिहाद नहीं कर सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा तबाया तुम बिल ईना व अखज तुम अजना बल बकर, जब तुम सूदी कारोबार करने लग जाओगे और तुम बैलों की दुमे पकड़ लोगे, खेती बाड़ी शुरू कर, सारी दुनिया खेती बाड़ी काश्तकारी हो रही है, जमीनें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं, आबाद हो रही हैं, और फरमाया कि वह तरक तुम जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद तुम छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा? सल्लतल्लाहु अलैकुम उज़्ज़ुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, जिल्लत ला यंजीउहु, और वो जिल्लत अल्लाह तुमसे नहीं हटाएगा। कब तक? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अपने दीन की तरफ पलटाओ, यानी जिहाद की तरफ पलटाओ। जब तक तुम जिहाद के मैदान को आबाद नहीं करोगे, तो तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत रहेगी। सही हदीस है अबू दाऊद के अंदर। तो अल्लाह ने भी यही बात फरमाई,
अरज़ीतुम बिल हयाति दुनिया मिन अल आखिरा, क्या तुम दुनिया की जिंदगी को पसंद कर रहे हो? ये यहां बीमारियां, परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े, क्या क्या मुसीबत यहां नहीं है, क्या परेशानी यहां नहीं है, और दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी? वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर तुम में से कोई शख्स समुंदर पर जाए और समुंदर में अपनी उंगली डुबोए और फिर बाहर निकाले, फल यंदुर बीमा यार जीव, और वो अपनी उंगली की तरफ देखे कि उसके साथ कितना पानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पानी आपकी उंगली के साथ लग गया है समुंदर में से, वो है दुनिया, और बाकी सारा समुंदर जो है वो आखरत है। ये है दुनिया और आखरत का फर्क, ये फर्क है। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन अद्दुनिया वमा फीहा, एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत के अंदर। कोड़ा कितना होता है? एक मीटर का होगा, डेढ़ मीटर का होगा, इतनी जगह जन्नत की। फरमाया दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है हर चीज से बेहतर है, जन्नत की सिर्फ इतनी सी जगह। सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर आपके खजाने हैं, मादनियात हैं, जखायर हैं, सोना है, चांदी है, पैसा, जो कुछ भी है जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी, ये सारी चीजें मिलकर जन्नत का मुकाबला, इतनी सी जगह का मुकाबला नहीं कर सकती जिस दुनिया को आज हम पसंद करके बैठे हुए। हमारा दिल नहीं करता कि हम लड़ें और शहीद हो जाएं, क्यों? दुनिया पसंद है, दुनिया से मोहब्बत है। और फिर ये दोगली पुलिस, एक तरफ तो हम जन्नत का नाम लेते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो फिर जन्नत को जाने को दिल ही भी नहीं करता। ये कैसी ईमान, कैसा है ईमान? ही कच्चा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया मौत का ये पैगाम लेकर कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना है कि अगर वो मजीद दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं तो उनको रुख्सत दे देना, मोहलत दे देना। फरिश्ते ने आकर पूछा कि अल्लाह का ये पैगाम है, रुख्सत है आपको कि अगर आप मजीद दुनिया में रहना चाहते हैं तो रह लें। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए थी, बाकी किसी से फरिश्ता नहीं पूछता जाना या नहीं जाना। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ये नहीं फरमाया कि मुझे यहां रहना है, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, मैं तो अल्लाह से ही मिलना चाहता हूं, नहीं पसंद किया दुनिया की जिंदगी को, नहीं पसंद किया। तो मेरे भाइयों, हमारी नाकामी, मगलूबियत का असल सबब ही ये है कि जब हमारे अकीदे कमजोर हो गए आखरत के मुकाबले में, तो मेरे भाइयों हम जो हैं दुनिया से मोहब्बत करने लग गए। हर बंदा दुनिया के पीछे पड़ा हुआ, दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया, आखरत की फिक्र ही कोई नहीं, आखरत की फिक्र ही कोई नहीं, दुनिया के लिए जी, बाल बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल। देखो ना, ये बड़ी अजीब बात है कि हम मुस्तकबिल किसे कहते हैं? हम मुस्तकबिल कहते हैं कि आइंदा जो 20 साल है या 30 साल है, हमारी ये सोच है कि ये हमारा मुस्तकबिल है, और पता भी नहीं है मुस्तकबिल होगा भी या नहीं होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन सारी दुनिया 20-30 साल के लिए खप रही है, खूब मेहनत हो रही है, लेकिन जो असल हमारा मुस्तकबिल है ना, ठिकाना, वो है आखरत। ज़ारे हम
इन 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए काम कर रहे हैं या सालों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई मंसूबा बंदी नहीं है। मेरा मकान बन जाए, मेरी ज़मीन बन जाए और मेरे बच्चे जो हैं वो आला उहदों पर फायज हो जाएं, ऊंचे ऊंचे ख़ानदानों में हमारी शादियां हो जाएं, ठीक है, ये हमारा मुस्तकबिल, ये हमारी सोच है। और पता नहीं होता कि जिन बच्चों के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं, वो मुमकिन है कि हमसे पहले मर जाएं, हमसे ही पहले मर जाएं। मिसालें आपके सामने, कल ही एक छोटे बच्चे का जनाजा था, कितनी उम्र थी उसकी, थोड़ी उम्र थी ना, ज़्यादा ज़्यादा 20 साल होगी, बाप उसका जनाजा पढ़ रहा है। कितना फिक्रमंद था वो अपने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन उसने उसको खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। ये इबरत है या नहीं है, सबक है या नहीं है? सबक है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि दादा अपने पोते को दफन कर रहा होता है, पोते को, दादा जिंदा है, पोता फौत हो गया। इसलिए हमें इन चीज़ों पे गौर करना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमारा मुस्तकबिल है आखरत, मरने के बाद हमारा मुस्तकबिल शुरू होता है, ये कोई मुस्तकबिल नहीं। अल्लाह के नबी ने दुनिया को फरमाया ये तो सफ़र है, फरमाया मेरी मिसाल तो ऐसे है जैसे कोई घोड़सवार अपने घोड़े पर बैठा हुआ है और वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर आगे चला जाता है। फरमाया मेरा दुनिया से बस इतना ही ताल्लुक है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम बुखारी में ये भी हदीस आई है कि हज़रत उमर आपको मिलने के लिए गए, आप लेटे हुए थे, उठकर बैठे तो जिस्म पर वो खजूरों के पत्तों की चटाई बनी हुई थी, आप उस पर लेटे हुए थे, उठकर बैठे ना तो वो दाग लगे हुए थे आपके जिस्म मुबारक पर खजूरों के पत्तों के। तो हज़रत उमर फरमान लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसरो किसरा के लोग काफिर हैं, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी रहायश गाहें हैं, वो सहूलतें हैं, तो आप अल्लाह के नबी हैं, दुनिया और आखरत के सरदार हैं, तो आप ये खजूर की चटाई पर लेटे हुए, हम आपके लिए कोई नरम नरम गद्दा ना बना दें? तो आपने इसकी इजाज़त नहीं दी। फरमाया ये दुनियावी चीज़ें दुनिया में उनके लिए, हमारे लिए आखरत में होंगी, हमारे लिए आखरत में होंगी। आपका इतना ईमान पुख्ता था आखरत पर, इतनी तैयारी थी मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला यही बात फरमा रहे हैं कि फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरा इल्ला कलील, जिस दुनिया की जिंदगी को तुम पसंद करके बैठ गए हो, ये तो बिल्कुल मामूली चीज है। समुंदर के मुकाबले में कतरे को पसंद कर रहे हो, बड़े समझदार हो। इल्ला तनफिरु युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम दुनियादार बन गए और दुनिया को पसंद कर लिया और अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए ना निकले, तो अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हें अजाब देगा, सजा देगा। और देखो हमें कितनी सजाएं मिल रही हैं। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह कोई और कौम ले आएगा, कोई और बंदे आ जाएंगे जो जिहाद करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देगा जो लोग जिहाद करेंगे और अल्लाह उनकी मदद करेगा। वला तज़ुर्रुहु शैया, फिर तुम उस कौम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, वो कौम छा जाएगी, गालिब आ जाएंगे वो, क्योंकि जिहाद करेंगे, दुनिया से मोहब्बत नहीं करेंगे, आखिरत के लिए लड़ेंगे, शहादतें पाएंगे, जिहाद करेंगे, गाजी बनेंगे और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन नाफिज करेंगे। वो दुनिया की कोई ताकत फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा ऐसे हालात पैदा करेगा और ऐसी कौम अल्लाह सामने ले आएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे, इशारा किसकी तरफ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। फकद नसरहुल्लाहु, पस तहकीक अल्लाह ने उसकी मदद की है। अगर तुम मेरे नबी के साथ मिलकर मैदान जिहाद के अंदर नहीं जाते हो तो ना जाओ, अल्लाह अपने नबी की फिर भी मदद करेगा।
اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکالا تھا، کہاں سے؟ مکہ سے۔ آپ مجبور ہو کر ہجرت کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ کوئی بڑا لشکر تھا؟ آپ کے ساتھ تو صرف ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک گائیڈ تھا، اس کے علاوہ تو کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، اور سارے مکے کے کافر آپ کے دشمن تھے، مگر اللہ نے آپ کو خیریت سے سلامتی کے ساتھ مکہ سے نکالا، اور پورا سفر مدینے تک آپ نے کیا، کسی دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اذ کافروا ثانی اثنین، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، یعنی کل تعداد دو تھی، دو میں سے آپ دوسرے تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آپ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب آپ غار کے اندر تھے، غار ثور، مکہ سے جنوب کی جانب غار ثور ہے، حالانکہ آپ کہاں جانا چاہتے تھے؟ مدینہ۔ مدینہ کس طرف ہے؟ شمال کی جانب مکہ سے۔ تو یہ آپ کی ایک حکمت عملی تھی، کیونکہ کافروں کو یہی شک تھا کہ آپ مدینے ہی جائیں گے، مگر آپ جنوب کی طرف غار کے اندر، جو بڑی ہی مشکل اوپر بہت بلندی میں آج بھی ہے، وہاں آپ چلے گئے، اور لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس طرف گئے ہوں مدینے کی طرف، مگر آپ وہاں بیٹھ رہے، اور پھر وہاں سے آپ نے آگے سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہاں بھی کافر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ تو بالکل ہمارے پاس آ گئے، اگر ان میں سے کوئی آدمی نیچے کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، اس قدر اوپر آ گئے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، ہی جب آپ فرما رہے تھے اپنے ساتھی کو، صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے، وہ صاحب بنتا ہے، صاحب، اس لیے بیوی کو صاحبہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم، بہت زیادہ ٹائم اپنے خاوند کے ساتھ گزارتی ہے۔ تو صاحب کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ ٹائم اپنے دوست کے ساتھ گزارے۔ اس لیے یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کی گواہی دے دی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے آپ کو ٹائم دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں نا، میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے، دنیا کے اندر دے دیا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اتنا انہوں نے ٹائم دیا دین کو، اللہ کے رسول کو، اور اس قدر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ آپ کا حدیث میں آپ پڑھیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ فرماتے تھے کہ میں تھا وہاں، ابو بکر تھے، عمر تھے، ہم وہاں گئے، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، ایسے ہی، یعنی اپنے ساتھ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ابو بکر۔ تو آپ نے بڑا ٹائم دیا، سب کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے، سب کچھ خرچ کر دیا اسلام کے لیے۔ لا تحزن، غم نہ کر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، کس کو؟ ابو بکر صدیق کو، جب بالکل کافر اوپر آ گئے تھے۔ اس وقت آپ کا حوصلہ دیکھیں، اور اللہ پر ایمان دیکھیں، اللہ کے وعدوں پر ایمان دیکھیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ فانزل اللہ، پس نازل کی، اتاری اللہ تعالی نے، سکینتہ، اپنی سکونت، سکون، علیہ، اس پر۔ یہ بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ عین دشمن جب قریب ہو تو بندہ مطمئن ہو، پرسکون ہو، ہوش میں ہو، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ اکثر بندے تو ویسے ہی بخلا جاتے ہیں کہ یوں دشمن آ گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ہجرت کر کے، مصر چھوڑ رہے تھے، سامنے سمندر ہے، پیچھے پتا چلا کہ فرعون آ رہا ہے، اس کی فوجیں آ رہی ہیں، بنی اسرائیل بخلا گئے تھے، کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا دیا، آگے سمندر، پیچھے فرعون، اس کی فوج آ رہی، اب کیا بنے گا ہمارا۔ لیکن نبیوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دے گا۔ اللہ نے راستہ دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سمندر میں لاٹھی مارو،
उन्होंने अपना आसा समुंदर में मारा, जितने कबीले थे उतने खुशक रास्ते बन गए, समुंदर पार कर गए। ऐसे अल्लाह मदद करता है। वअय्यदहु बिजुनूदिन, और ताईद की अल्लाह ने उसकी यानी अपने नबी की, बिजुनूदिन ऐसे लश्करों के साथ, लम तरौहा जिनको तुमने नहीं देखा, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते नाजल हो गए जिन्होंने काफरों को अंधा कर दिया और नहीं देख सके वो। वजअला, और अल्लाह ने कर दिया, कलिमतल्लज़ीना काफरू, उन लोगों की बात को जिन्होंने कुफर किया, सुफला नीचे, क्योंकि वो बड़े दावे कर रहे थे ना कि नहीं छोड़ेंगे पकड़ेंगे, बल्कि मक्के के अंदर ऐलान हो गया कि जो आदमी अबू बकर को अल्लाह के रसूल को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसके लिए 100 ऊंट इनाम है। इतने वो खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि उनको ये भी बर्दाश्त नहीं था ना कि अब, हालांकि उनको खुश होना चाहिए था कि मक्का छोड़ दिया, जिस बंदे की वजह से तुम परेशान हो वो तो जा रहा है, उल्टा तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन उनको ये परेशानी हो गई कि क्यों जा रहा है, हमने उसको तो खत्म करना था, ये हमसे बचकर क्यों जा रहा है। लेकिन उनके सारे दावे, सारे उनके मंसूबे, तदबीरें अल्लाह ने नाकाम कर दी। कलिमत वजअला कलिमत अल्लज़ीना काफरू सुफला, काफरों की बात अल्लाह ने नीचे कर दी। व कलिमतुल्लाही ही अलौलिया, और अल्लाह का जो कलिमा है उसको अल्लाह ने बुलंद कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जो आवाज वो दबाना चाहते थे वो नहीं दबी, वो ऊपर ही गई, वो अरब से बाहर भी चली गई, पूरी दुनिया में चली गई। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है। वो मक्के से उठने वाली कमजोर सी आवाज को, एक बंदे की आवाज को उसने कितनी कुव्वत बख्शी, कितनी ताकत बख्शी, और कैसे कैसे जालिमों काफरों से बचाकर उस अल्लाह ने अपने इस कलिमा तौहीद को किस तरह बुलंद किया, किस तरह लोगों से काम लिया, और उन्होंने अल्लाह की इस तौहीद को इख्तियार किया और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, क्योंकि अल्लाह अजीज है, वो जिससे चाहे अपने दीन का काम लेता है, हकीम उन हिकमत है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जी रातों रात ही मुसलमान गालिब आ जाएंगे, कैसे इस्लाम की दावत कमजोर थी, कैसे इब्तदाई अय्याम के अंदर मक्का के अंदर मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, सब्र किया, मुसीबतें देखी, फिर हिजरतें की, फिर मैदान जंग के अंदर जिहाद किए। लेकिन ये चीजें हिकमत में थी कि अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता गया और उनको पास भी करता गया और रिजल्ट भी देता गया। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह हर चीज पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह से दुआ है।